गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस अभी दूसरा दिन है और अभी हम पहुंच चुके हैं रामदेव बाबा के और राम सरोवर के पास हैं, तालाब के पास। तो आप सभी को तालाब दिखाते हैं। तो गाइस वीडियो पर एंड तक बने रहना, तो आप सभी को हो सके तो दर्शन भी कराएंगे बाबा के। तो अभी तो आप सभी को बांध पाल दिखाते हैं यहाँ का राम सरोवर। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है। तो गाइस अभी क्या है, अंधेरा है तो आप सभी को क्लियर नहीं दिखेगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ इतना पानी भरा हुआ है। गाइस चारों तरफ देख सकते हो आप इतना पानी भरा हुआ है। तो आपको पास चल के दिखाते हैं। तो गाइस आप पास से देख सकते हो यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है। यहाँ पे मात्र नीचे की तीन ही पैड़ी, तीसरी पैड़ी के ऊपर तो पानी है गाइस। तो गाइस यहाँ पे कुछ इतना पानी भरा हुआ है, आप सभी देख सकते हो। और अभी यहाँ पे स्नान करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने। तो व्लॉग पे एंड तक बने रहना, व्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो गाइस अभी तो क्या है, रात हो रही है और सुबह का टाइम है, सुबह के 4 बज रहे हैं। तो गाइस आप सभी को क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि अभी अंधेरा हो रखा है। बाकी आप सभी को जितना हो सकेगा उतना तो दिखाएँगे। आप सभी देख सकते हो ये है राम सरोवर रामदेव बाबा का। तो अब यहाँ पे स्नान करेंगे। तो ब्लॉग पे एंड तक बने रहना, ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। गाइस अभी नहाने जा रहे हैं हम, यहाँ पे नहाने की तैयारी चल रही है, अभी नहाएंगे। तो गाइस अभी चल रहे हैं नहाने, नाम लोग उनके फोन से। तो गाइस यहाँ पे हंसराज भी नहा रहे हैं, गोरा नाली। और गाइस इसके अंदर मछलियाँ भी हैं, आप सभी को दिखाऊं। ये देखिए यहाँ पे मछलियाँ हैं इसके अंदर बहुत सारी। ये देखिए बहुत सारी मछलियाँ हैं इसके अंदर। ये देखिए किस तरीके से भग रही है। तो गाइस अभी नहा के जा रहे हैं इसके अंदर। आगे मत दजियो ना दादा। तो गाइस अभी नहा रहे हैं इसके अंदर, मछलिया भी है बहुत सारी। तो गाइस अभी ना रहे, तो मिलते हैं आपको नहाने के बाद। गाइस अभी जा रहा हूँ इसके अंदर। इसके अंदर डूबकी लगा। तो गाइस अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हो। बस बंद कर दे। तो गाइस मैं तो ना के आ चुका हूँ और अभी पापा जी ना रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो। अभी पापा जी ना रहे हैं यहाँ पे और मम्मी जी इधर ना रहे, ना आएगी अभी। तो गाइस अभी नहा धो के तैयार हो चुके हैं, देख सकते हो आप। और अभी पापा जी सब नहा धो के तैयार होकर बैठ चुके हैं और मम्मी जी अभी नहा रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे तैयार होकर बैठ चुके हैं और जैसे जैसे दिन उगता जा रहा है वैसे वैसे पब्लिक जो है बढ़ती जा रही है। आप सभी देख सकते हो पीछे, सुबह तो इतनी पब्लिक नहीं थी, हम आए थे तब, और अब जो पब्लिक है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अभी तो बहुत पब्लिक होगी, जैसे जैसे दिन उगता जाएगा वैसे वैसे पब्लिक बढ़ती जाएगी। तो व्लॉग पर एंड तक बने ला, व्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो अभी चलेंगे दर्शन करने, तो मिलेंगे आप सभी को दर्शनों में। तैयार हो चुके हैं सभी, तो अभी जा रहे हैं दर्शनों के लिए। आप देख सकते हो अभी दर्शनों के लिए जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं दर्शनों के लिए।
तो अभी दर्शनों के लिए जा रहे हैं। यात्रीगण राम सरोवर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें, उठाए गिरोह जीव पत्रों से सावधान रहे। यात्रियों से निवेदन है व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। बोलो अजमल सरोवर की जय। तो गाइस यहाँ पे बोटें खड़ी हुई हैं, आप सभी देख सकते हो कितनी सारी बोटें खड़ी हुई हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप। जो पब्लिक है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आप सभी देख सकते हो जो पब्लिक है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। गाइस जैसे जैसे दिन उगता जा रहा है वैसे वैसे पब्लिक बढ़ती जा रही है। ये माया इधर से इधर इधर कर माप काफी अवर से काम करें। बोलिया जमल करावता की जय श्री राम। तो गाइस ये आ चुका है बाजार। तो गाइस ये बाजार आ चुका है, आप सभी देख सकते हो बाजार के अंदर आ चुके हैं और अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं हम। तो गाइस आप देख सकते हो प्रसादी के लिए कैसे खींच खींच के लेके जा रहे हैं, अपने आप ही चोरी कर करके प्रसादी के लिए लेके जा रहे हैं, जबकि हमें अभी यहाँ से प्रसाद लेना ही नहीं है। आप देख सकते हो कितनी चोरी चल रही है यहाँ पे दुकान वालों की प्रसादी के लिए। तो गाइस प्रसादी के लिए चोरी कर करके लेके जाते हैं कि हमसे प्रसाद लेके जाओ। तो गाइस यहाँ से ले रहे हैं अभी प्रसादी, आप देख सकते हो अभी सामान वामान यहाँ पे रखेंगे इस दुकान के ऊपर। तो गाइस सामान इस दुकान पे रख रहे हैं अभी और यहाँ से प्रसादी लेके और जाएंगे दर्शन के लिए। अभी यहाँ से प्रसादी वरसादी लेते हैं, सामान घूमना नहीं चाहिए हमारा। तो गाइस अभी यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद, देख सकते हो प्रसादी ले रहे हैं। तो भाई यहाँ से ले रहे हैं अभी प्रसादी। भाई साहब दर्शनों के लिए लाइन के अंदर आ चुके हैं अभी, आप सब देख सकते हो और जो भीड़ है वो आप सब देख सकते हो, ज़्यादा भीड़ और क्या भी थोड़ी देर की तरफ बाजार है। ये देख सकते हो गाइस इधर बाजार है और अभी हम लाइन के अंदर आ चुके हैं प्रसादी वरसादी लेके, अभी दर्शन करेंगे बाबा, अभी दर्शन करेंगे बाबा रामदेव के, तो आप सभी को भी कराएंगे, हो सकेंगे तो कराएंगे। चलते हैं अभी। तो गाइस अभी यहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो गाइस आप पब्लिक देख सकते हो कितनी ज़्यादा पब्लिक है, तो अभी भीड़ ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी दिन उग रहा है अभी। तो गाइस अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, जैसे जैसे दिन उगता जाएगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। आप सभी देख सकते हो अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। तो गाइस पापा जी पीछे आ रहे हैं, आप देख सकते हो, और बाकी अभी हम लाइन के अंदर लग चुके हैं। गाइस अभी लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। गाइस यहाँ पर है मंदिर, पंखे देख सकते हो कितने बड़े बड़े, हवा के लिए पंखे लगा रखे हैं यहाँ पे,
एक वो लगा हुआ और एक ये लगा हुआ। बाईस गर्मी के अंदर पंखे भी जरूरी हैं क्योंकि इतनी पब्लिक आती है यहाँ पे। तो गाइस ये है बाबा रामदेव जी का मंदिर। तो बाबा रामदेव जी के अच्छे से दर्शन कर लीजिए, आपके सामने ही है बाबा रामदेव जी। डाली भाई का कंगन है। तो आप सभी को डाली भाई का कंगन दिखाते हैं अभी। तो गाइज अभी दिखाते हैं आप सभी को। तो इधर देखिए यहाँ पर है डाली भाई का कंगन। गाइज यहाँ पर है डाली भाई का झूला। तो गाइस क्या है, मोबाइल को बंद करा देते हैं इसलिए आप सभी को ठीक से नहीं दिखा पा रहे हैं। गाइस यहां पे पापा रामदेव जी का गाइस ये है रामदेव जी की वंशावली की कचेली। यहां पे सभा बैठती है, ये देख सकते हो आप। और वहां पे घोड़ा खड़ा हुआ है बाबा रामदेव जी का। तो गाइस अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं और हमने आप सभी को दर्शन करा दिए। और अभी जो भीड़ है वो देखिए, अभी भीड़ बढ़ती जा रही है, जो लोग हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है अभी। जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। और अभी 6 बज चुके हैं तो ये 6 बजे की भीड़ है। तो गाइस आप देख लेना जो भीड़ है वो कितनी आएगी। और हम तो दर्शन कर चुके हैं, दर्शन कर लिया और अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो अभी बाहर जा रहे हैं हम सभी, हमने दर्शन वर्शन कर लिए। और अभी पब्लिक देख सकते हो आप कितनी पब्लिक है अभी। और अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे हम। तो गाइस आप यहाँ से पब्लिक देख सकते हो, जो अभी पब्लिक है वो कितनी ज़्यादा आ चुकी है। गाइस जैसे जैसे दिन उठता जा रहा है वैसे वैसे पब्लिक बढ़ती जा रही है। ज़्यादा पब्लिक है, आ चुके हैं बाहर, दर्शन वर्शन कर लिए हमने। और अभी बाज़ार में जाएंगे बाबा की परचावावड़ी देखते हैं। तो अभी बाबा की परचावावड़ी देखते हैं यहाँ पे। इधर से जाएंगे बाबा की परचावावड़ी देखने। तो गाइस ये देख सकते हो ये आ चुका है गेट, बाबा की बावड़ी का गेट आ चुका है यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हो। तो गाइस अभी आप सभी को दिखाने वाले हैं बाबा की पर्चा बावड़ी। ये आ चुके हैं हम बाबा की पर्चा बावड़ी के अंदर। आ चुके हैं यहाँ पे फिर से। तो अभी बैग वैग लेंगे यहाँ से, हमने सामने को यहाँ पे रखा था तो यहाँ से सामान लेते हैं और फिर चलते हैं मेला देखने। तो गाइस ये है रामदेवरा बाजार, आप देख सकते हो ये पूरा रामदेवरा बाजार है। यहाँ पे कपड़ों की शॉप है, इधर की तरफ
ज्वेलरी की शॉप है और यहाँ पे फोटो स्टूडियो है जहाँ पे आप फोटो खिंचा सकते हो। यहाँ पे गाइस ये है कंगन वगैरह की शॉप, बाकी आप देख सकते हो मेले में कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी दर्शन करके और मेले से होके और अभी आ चुके हैं हम वापस से राम सरोवर पे, तो अभी यहाँ पे थोड़ा विश्राम करेंगे उसके बाद मेला वेला देखेंगे। और गाइस यहाँ पे एक बलून लगा हुआ है बहुत बड़ा, ये देखिए बहुत बड़ा बलून लगा हुआ है, ये इसके ऊपर रामदेव जी लिखा हुआ है। गाइस अभी यहाँ पे आ चुके हैं तो अभी यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं, ये देख सकते हो अभी चाय वाय पी रहे हैं और अभी हम पाल राम सरोवर के पाल के ऊपर बैठे हैं, तो इधर की तरफ है राम सरोवर, अभी चाय वाय पीते हैं। तो गाइस हम रात को आए थे यहाँ पे, तब तो इतनी भीड़ नहीं थी और अभी भीड़ हो चुकी है, तो अभी आप सभी को दिखाते हैं। और तालाब भी आप सभी को रात को अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो अभी आप सभी को तालाब भी दिखाते हैं अच्छे से। तो आप सभी देखिए ये है इतना बड़ा तालाब, इसके अंदर पानी फुल भरा हुआ है, अभी देख सकते हो आप कितना पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर जो बोटें हैं वो भी चल रही है, ये देखिए इंजन वाली बोट चल रही है यहाँ पे, पब्लिक आप देख सकते हो इतनी पब्लिक आ चुकी है, अभी रात को तो नहीं थी गाइस ये पब्लिक। तो गाइस अभी आपने देखा जो पब्लिक थी वो रात को नहीं थी, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, उसके बाद चलेंगे मेला देखने, मेला देख के यहाँ से निकलेंगे। तो अभी आप सभी देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बोटें किस तरीके से चल रही है पानी के अंदर, ये इलेक्ट्रिक वाली बोट रहे हैं क्योंकि पानी के अंदर कैसे घुमा रहे हैं इसको। और गाइस हम रात को नहाए थे वहाँ पे, हम रात को यहाँ पे नहाए थे, इस तरफ रात को इस तरफ नहाए थे हम, तो आप देख सकते हो, तो अभी पानी इतना भरा हुआ है और हम इसके अंदर डूब डूब के नहाया था मैं, तो बीच में तो गया नहीं था ज़्यादा, और बाकी सीढ़ियों पे बैठ के और नहाया था। गाइस यहाँ पे देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं और वो भी कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे, रोज तो सुबह तो अंधेरे के अंदर दिख नहीं रही थी, तो अभी आप सभी यहाँ से देखिए पास से कितनी सारी मछलियाँ हैं, बहुत सारी मछलियाँ इसके अंदर छोड़ दी गई है जो कि अब बड़ी हो चुकी है, और बच्चे भी हैं इनके बहुत सारे। गाइस अभी तो इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ मछलियाँ और की आप देख सकते हो कितनी सारी मछलियाँ हैं इसके अंदर, और बीच में बहुत सारी मछलियाँ हैं। अभी तो ऐसे यहाँ पे आटे की गोलियाँ पटक रहे हैं इनको जो खाने के लिए, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ आ चुकी है, इकट्ठा हो चुकी है। तो गाइस अभी बस में आ चुके हैं हम और अभी यहाँ से जाएंगे जोधपुर, तो गाइस अभी जोधपुर जाएंगे यहाँ से, तो अभी बस के अंदर बैठ चुके हैं, बाकी हमें सीटें मिल चुकी है, देखिए बस के अंदर सीटें मिल चुकी है। तो गाइस अभी जोधपुर के लिए निकल चुके हैं हम, बाकी रास्ते के अंदर मिलेंगे आप सभी को, आप देख सकते हो अभी जोधपुर निकल चुके हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं टोल टैक्स पे, यहाँ पे टोल टैक्स, तो अभी टोल वोल कट चुका है और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस अभी यहाँ पे रुक चुके हैं रास्ते के अंदर, यहाँ पे चाय पानी पीने के लिए जो हमारी बस है वो रुक चुकी है, और अभी चाय पानी पी लिए हमने यहाँ पे, तो वहाँ पे खड़ी हुई हमारी बस और जो यात्री है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। गाइस अभी चाय पानी पी रहे हैं, तो अभी यहाँ से तो जाएंगे जोधपुर, और जोधपुर किस लोकेशन पे जाने वाले हैं वो आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि वो व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इस व्लॉग को करेंगे यहीं एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सभी को ऐसी ही प्यारी सी लोकेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।